डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हो, जो कोरोना वायरस है, इसकी जो शिद्दत है, इसमें कमी आ रही है। ये खुश आइंदा बात है कि इसमें शिद्दत आ रही है, इसकी जो इंटेंसिटी है ये कम होती जा रही है, और कोविड पॉजिटिव केसेस है इनकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है। इवन इट इज़ डेथ रेट, जो मरने की जो शरह है वो भी कम होती जा रही है, एंड दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। और जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए, हमसे दूर हो जाए, तब तक हमें एहतियात बरतना है, एंड वी हैव टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है कि हम बिहेवियर में वो चेंजेस लाने हैं जिसके ज़रिए हम कोविड से बच पाएंगे। और सबसे उम्दा तरीका है कि हमें अपने घरों में बैठना चाहिए, और घरों में जब हम बैठ जाते हैं तो दो तरह के फ़ायदे हमें मिलते हैं। एक तो हम कोविड से बच पाएंगे, और दूसरा सो सैम्पल हम किताबों के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, इससे हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। और कल रात करीब 9 बजे एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया जो हमारी लोकलिटी में रहता है, कि हमें इंग्लिश में ये सिखाए कि डिड कैसे इस्तेमाल होता है। और वो जो स्टूडेंट है वो क्लास 8th का स्टूडेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, जो डू और डज है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और कभी कभी ये मैन वर्ब्स भी काम करते हैं। द प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये, बट दे कैन स्टैंड एज द मैन वर्ब्स। यानी जो डू और डज है ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन इनमें ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि एज ए मैन वर्ब्स भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डू प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट फॉर्म से ही पहले, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आई, यू और प्लूरल के साथ। और इस तरह डज इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर से, और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब जो होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इससे पहले इस्तेमाल होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हम या ई एस आई एस नहीं ऐड करते हैं जब हम डज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई राइट ए बुक, इट मीन्स आई डू राइट ए बुक। आई वॉक डेली, इसका मतलब है आई डू वॉक डेली। ही वर्क्स हार्ड, इट मीन्स ही डज वर्क हार्ड। ही वॉक्स फास्ट, इसका मतलब ही डज वॉक फास्ट। अब इन दोनों का जो पास्ट है वो डिड है, वो डिड है। और डिड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पास्ट सैम्पल में ये इस्तेमाल होता है। और पास्ट सैम्पल बनता कैसे है? यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आपको ये अपने दिमाग में रखना है। और पास्ट सैम्पल वो टेंस होता है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की जो दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है वो पास्ट सैम्पल। इट इज़ सिंपलेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज सिंपल पास्ट, पास्ट इनडेफिनेट और सिंपल पास्ट, दैट इन द सेम टेंस द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज इट। टेक सम एग्जाम्पल्स, चलो हम कुछ मिसालें लेते हैं। और पहले आपको ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि पास्ट सैम्पल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसी में फिर डिड इस्तेमाल होता है। कैसे होता है डिड इस्तेमाल, ये हम मैं बता दूंगा। आई पास्ड एग्जामिनेशन, ये पास्ट सैम्पल है। आई वॉकड ऑन द ग्राउंड यस्टरडे, ये पास्ट सैम्पल है। आई वेंट स्कूल यस्टरडे, ये पास्ट सैम्पल है। शी टॉक्ड टू हर फादर, ये पास्ट सैम्पल है। और दूसरी फॉर्म जब वर्ब की इस्तेमाल होती है तो ये पास्ट सैम्पल, लेकिन पास्ट सैम्पल हम डिड से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे ही पास्ड द एग्जामिनेशन, इसका मतलब है ही डिड पास द एग्जामिनेशन। व्हेन देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब सेकंड फॉर्म वर्ब की होती है तो डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। और जब पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है इससे पहले डिड इस्तेमाल होता है, क्योंकि डू और डज दोनों का पास्ट डिड है। जब डिड इस्तेमाल होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, ये भी पास्ट सैम्पल है। टेक सम एग्जाम्पल्स, शी वेंट स्कूल यस्टरडे, इसका मतलब है शी डिड गो टू स्कूल यस्टरडे। व्हेन देयर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉर्म ऑफ वेंट,
तो डिड इस्तेमाल नहीं होगा। जब डिड का इस्तेमाल हम करेंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ शी वेंट स्कूल, मीन शी डिड गो टू स्कूल। चलो और एक मिसाल लेते हैं, राशिद रूट ए लेटर, इसका मतलब है राशिद डिड राइट ए लेटर। वेन देर इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो पास्ट सिंपल होता है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, तब डिड इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर वर्ब की पहली फॉर्म हो, इससे पहले डिड इस्तेमाल होता है, यह भी पास्ट सिंपल होता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि पास्ट सिंपल को बनाने में डिड की क्यों ज़रूरत पड़ती है, या डिड क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड डू डिड इन केस ऑफ ए पास्ट सिंपल, इफ पास्ट सिंपल इज फॉर्मड विद द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका भी जवाब बिल्कुल आसान है, सो सिंपल, यू कांट मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट सिंपल अनलेस देयर इज डिड। आप नहीं बना सकते हो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव पास्ट सिंपल का जब तक इसमें डिड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट स्कूल, इससे हम नहीं बना सकते हैं इसका नेगेटिव। आई वेंट स्कूल का मतलब है आई डिड गो टू स्कूल। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, डिड आई गो टू स्कूल। टेक वन मोर एग्जाम्पल, सो राशिद किकड ए बॉल, इट मीन्स राशिद डिड किक ए बॉल। वेन देर इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब दूसरी फॉर्म होती है पास्ट सिंपल होता है, डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। जब पहली फॉर्म होती है, इससे पहले डिड होता है, तब भी ये पास्ट सिंपल होता है। और डिड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम ताकि हम पास्ट सिंपल में नेगेटिव और इंट्रागेटिव बना लें। राशिद किकड ए बॉल, इट मीन्स राशिद डिड किक ए बॉल, राशिद डिड नॉट किक ए बॉल, डिड राशिद किक ए बॉल। टेक वन मोर एग्जाम्पल, खुर्शीद प्लेड चेस यस्टरडे, इसका मतलब है खुर्शीद डिड प्ले चेस यस्टरडे। खुर्शीद डिड नॉट प्ले चेस यस्टरडे, डिड खुर्शीद प्ले चेस यस्टरडे इज इट इज इंट्रागेटिव। सो सिंपल इट इज़, बिल्कुल आसान है। आपको यह याद रखना है कि डू और डज प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, और दोनों का जो पास्ट है वो डिड है, और डू और डज में ये कैपेसिटी होती है, ये एज मैन वर्ब इस्तेमाल हो सकता है और डिड भी होता है। और डिड पास्ट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म से इस्तेमाल होता है, जब वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होते हैं तो डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पास्ट सिंपल में जब डिड इस्तेमाल होता है, इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम नेगेटिव और इंट्रा नेगेटिव पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का बना सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट डिड का कंसेप्ट है, किस तरह इस्तेमाल होता है डिड पास्ट सिंपल में और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी। इन केस ऑफ इन कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन रह जाता है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड विद इन शॉर्ट टाइम, बिल्कुल मख्सर वक्त में आई विल रिस्पॉन्ड द कॉल, मैसेज को भी रिस्पॉन्ड करूँगा। बट यू हैव टू सी दीज थिंग्स ऑन योर अवेलेबल ग्रामर बुक्स, आपको देखने हैं अपने ग्रामर बुक्स में और टेक्स्ट बुक्स में, जहाँ पर डिड इस्तेमाल होता है, इसके आगे आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब की पाओगे पास्ट सिंपल में, तब ये जब वहाँ पे देखोगे एक पैराग्राफ पूरा या दो पैराग्राफ आप पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा डिड वहीं पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे मैंने बता दिया, और इसी तरह इस्तेमाल होता है, और आप इस तरह इसको पूरी तरह समझ पाओगे। थैंक्स, बी वेल सेड।